हेलो दोस्तों, आज भी आपके लिए एक अनबॉक्सिंग। और ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, मैंने मंगवाया जियो मार्ट से और ऑनलाइन डिलीवरी आ गई। इसके अंदर क्या है ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो मुझे जब भी लगता है कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है, सस्ता है और रीज़नेबल है, मुझे ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो वीडियो मैं बना देता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को भी पता लग जाए कौन सी अच्छी चीज़ किस वेब पोर्टल से, किस ई कॉमर्स कंपनी से आप मंगवा सकते हैं, जो अच्छी भी रहे, सस्ती भी रहे और आपके बहुत सारे कामों को भी निपटा दे। तो चलिए देर नहीं करता, इसको भी मैं खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको आज की अनबॉक्सिंग। डब्बे के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इनवॉइस या बिल, पहले ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो पैकिंग के बारे में कह सकते हैं, पैकिंग वाकई बहुत अच्छी है, बहुत सेफली पैक किया गया है प्रोडक्ट, नुकसान ना हो उसको। इस वजह से बबल पैक के अंदर और गत्ते के अंदर भी, और गत्ते के अंदर दूसरा गत्ता, और गत्ते में अब आपको दिखाई दे रहा है ये कैल्विनेटर का एक OTG है जो कि डिटेल इसमें दिए हुए हैं चारों तरफ। इसको भी खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गत्ते के अंदर ओरिजिनल प्रोडक्ट। थोड़ा सा ये काटना पड़ेगा मुझे, टेप मैं काट लेता हूँ। और ये देखिए नीले रंग का एक और डब्बा, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इस नीले डब्बे के अंदर, डब्बे के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सारे डिटेल, 10 लीटर का OTG है, 10 लीटर कैपेसिटी है और सारे डिटेल दिए हुए हैं। आप कस्टमर केयर कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कब का बना हुआ है, कब की मैन्युफैक्चरिंग, और इस तरह का पिज़्ज़ा आपको खाना है तो OTG आपको घर में चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये भी देखना है कि आपके बजट में भी फिट हो, आपके कैपेसिटी के हिसाब से भी हो और सारे काम भी कर दे OTG तीनों, और रिलायबल भी हो, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे कि बड़ी चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है पूरे 2 साल की वारंटी, तो 2 साल की वारंटी भी और एसेसरीज भी साथ में मिल जाएँ। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इस OTG को मंगवाया, कैलविनेटर OTG, और सारा डिटेल आप देख ही पा रहे हैं डब्बे के ऊपर। बाकी चीज़ें आपको मैं खोल के इसको दिखाऊंगा तो आप देख ही लेंगे। पिज़्ज़ा तो देख के बस मज़ा ही आ रहा है इसमें। चलिए कभी बनाएंगे तो वो भी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। और 2 साल की वारंटी मैंने आपको बताई दी, और ब्लैक कलर और सारा डिटेल, अभी इसको खोलते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक टेप और काटना पड़ेगा, चलिए ये भी काट लिया, दोनों तरफ से काट लिया। अब आपको बता सकते हैं कि पूरी तरीके से सेफ पहुँचा है मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर ग्लास भी होता है, टूटे फूटे ना, इस वजह से पैकिंग बहुत बढ़िया। और ये देखिए ऊपर इसमें एक ग्रिल दिखाई दे रही है, ग्रिल के साथ कुछ बुकलेट दिखाई दे रही है, एक ट्रे भी दिखाई दे रही है। और ये रहा मेन OTG ओवन टोस्टर ग्रिलर, तो इसको भी खोल लेते हैं, साइड की जो सेफ्टी पैक लगे हुए वो निकाल देते हैं, थर्मोकोल के पैक्स। और जहाँ तक बुकलेट का सवाल है, ये भी एक पॉलीथीन में पैक है, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पैक करी गई है। और कैलविनेटर एक ब्रांड भी जानी मानी ब्रांड है, हालांकि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, लेकिन मैं जब भी मुझे लगता है वीडियो बनाना ज़रूर चाहिए और प्राइस वाइज कहीं कोई चीज़ अच्छी मिलती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए, क्या आपको इससे बेहतर चीज़ इससे सस्ते प्राइस में मिल रही थी या इससे आपको कहीं महंगा पड़ गया। खैर वो तो बात की बात। ये देखिए एक इसमें ट्रे थी और एक थी मैश यानी कि जाली, तो जाली आप लगाते हैं उसके ऊपर ट्रे रखते हैं, और ट्रे में जो भी आप पकाना चाहें, चाहे केक या पिज़्ज़ा वगैरह। और ये बुकलेट, बुकलेट के लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आप मंगवाएं तो उसकी बुकलेट को बहुत ध्यान से पहले ज़रूर पढ़ लें। कुछ डिटेल उसमें दिए होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, एक तो आपको उसके पार्ट्स के बारे में पता लग जाता है, किस पार्ट को हम क्या कहते हैं या कौन सा पार्ट नंबर है, साथ ही साथ क्या स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर, जो आपने मंगवाया था वही प्रोडक्ट है कि नहीं है, या सर्विस सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ है इसके, और अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो इसलिए बुकलेट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसको हमको पहले में, ये भी जानकारी बुकलेट से मिलती है। एक चीज़ अभी और इसमें दिखाई दे रही है, ये रहा इसका वारंटी कार्ड, तो वारंटी कार्ड भी ज़रूरी है, वारंटी कार्ड आप भर के भेजेंगे तभी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छा है कि 2 साल की वारंटी भी मिल रही है इसके अंदर, और एक जानी मानी ब्रांड भी है, और प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला मुझे। और 10 लीटर कैपेसिटी, मतलब छोटी से छोटी किचन हो आपकी, आप वहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं इसको। ये देखिए सामने में ग्लास, और एक आपका टाइमर है और एक है आपका टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो टाइमर का जहाँ तक सवाल है, टाइमर आपका 60 मिनट का, और टेम्परेचर की बात है 240 डिग्री तक आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इतने टेम्परेचर में आप कुछ भी पका सकते हैं, जो भी चाहें।
और अंदर में यहाँ पर अभी एक टेप और लगा हुआ है ग्लास के ऊपर, तो उस टेप को हम निकालेंगे तभी दिखा पाएंगे। चलिए उसको बाद में करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं चारों तरफ। इसको ब्लैक कलर है ये पीछे का हिस्सा, और चारों तरफ से बंद है, मतलब पूरी तरह सेफ़ है। कोई आपको कई बार चूहा वगैरह काट देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ पे खाने का सामान होता है चूहे ज़रूर आते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये 5 एम्पियर का इसका प्लग है, प्लग भी स्टडी है, और इसको आप प्लग में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है और बहुत छोटा है कह सकते हैं। कितना भी छोटा किचन हो आपका, रूम छोटा हो, आप उसको जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। चलिए इस टेप को भी निकाल लेते हैं, ताकि इसका टफेंड ग्लास जो है दिया हुआ है वो भी खोल के आपको दिखा दूँ अंदर का चैम्बर इसका। बहुत अच्छे से पैकिंग बढ़िया, मैं पहले भी कह रहा था पैकिंग बहुत अच्छी करेगी। ये देखिए अभी टेप एक दो और लगा हुआ है, वो भी निकाल देते हैं। हैंडल सामने में हैंडल है, और इसकी हाँ जहाँ तक वोल्टेज का सवाल, वाटेज का सवाल, 800 वाट है इसका, तो ज़्यादा बिजली की खपत भी नहीं करेगा। और नीचे में आप देख पा रहे हैं एक कॉइल नीचे है और एक कॉइल इसमें ऊपर भी दे रखी है, तो दोनों तरफ इवन टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो भी चीज़ आप पकाएंगे बहुत अच्छे से पक जाएगी इसके अंदर। और ये रही इसकी जाली, तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से लगाएंगे। पहले जाली, इसमें 3 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, आप जहाँ चाहें जाली को लगा सकते हैं। अगर कोई आप छोटी चीज़ पका रहे हैं ऊपर लगा सकते हैं, या बीच में लगाइए सबसे बढ़िया, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल बराबर पहुँचेगा ऊपर और नीचे। ये जाली पहले लगाइए इस तरह से, और जाली के ऊपर आप रख देंगे ट्रे, और ट्रे के ऊपर जो भी चीज़ आप पकाना चाह रहे हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो केक हो, या और भी कोई चीज़ हो, वो आपको इसके ऊपर रख देनी है। तो ये आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ भी हो गई, और साथ ही साथ बजट में आया, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस पर रख के दिखा दिया, ये इस तरह से रख देंगे, और इसको बंद करके आप टेम्परेचर सेट कर देंगे, टाइमिंग सेट कर देंगे, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट या जो भी आप आइटम बनाना चाह रहे हैं वो पक के तैयार हो जाएगा। बस समय का ध्यान रखिए, टेम्परेचर का ध्यान रखिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसको मैं लगा के दिखा भी देता हूँ आपको। टेस्ट भी करना ही पड़ता है शुरू में, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, गर्म हो रहा है नहीं हो रहा। अभी ऑन भी कर लेता हूँ उसको। तो दोस्तों मैं इस तरह के बहुत से वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, उम्मीद आपको वीडियो मेरे पसंद ज़रूर आते होंगे। टेम्परेचर और सेट कर लेते हैं इसकी टाइमिंग, तो वीडियो पसंद आएगा आप लाइक ज़रूर कर देंगे इसको, और शेयर भी कर देंगे सभी के साथ, ताकि सभी को फ़ायदा हो जाए किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी जानकारी से, किसी प्रोडक्ट से, तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट करके आज मुझे ज़रूर बताया कीजिए क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, या कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पता थी, या आपको सारी बातें पता थी पहले से, या आपको सस्ती चीज़ मिल सकती थी, या आपको महंगी पड़ी कभी कोई चीज़, तो इस तरह कमेंट्स आप करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और शेयर तो आप कर ही देंगे, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको एक बार ही करना, बार बार नहीं करना, आप तो जानते ही हैं मैं आपका होस्ट और दोस्त आर्थिक, और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल टेक्निकल हमेशा। चलिए इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। प्राइस भी आपको बता देता हूँ, ये मुझे कुल 1700 रुपये का पड़ गया था, जबकि MRP इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1700 रुपये में बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मुझे पड़ गया। तो जब भी कोई चीज़ मुझे अच्छे प्राइस पे पड़ती है, अब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हो, ये मुझे जियो मार्ट पर सस्ता मिला तो मैंने जियो मार्ट से मंगवा लिया, और कैपेसिटी भी कम है, वाटेज भी कम है, 10 लीटर में आपका घर, 2-3 लोगों के लिए घर अगर है तो आप उसमें जो भी बनाना चाहें, केक या पिज़्ज़ा बना सकते हैं आसानी के साथ, और साथ ही साथ वाटेज भी कम है, 800 वाट, ज़्यादा बिजली भी नहीं खाएगा, तो ना ज़्यादा बिजली की खपत होगी, इकोनॉमिकल भी, देखने में खूबसूरत, और एक ब्रांड तो है ही। तो चलिए आप लोग अपने घरों में ट्राई करते रहिए नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइटम्स, नए नए चीज़ें खाने वाली, देखते रहिए मेरे वीडियोस। अपने घरों में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और यंग दिखें, ऐसी मेरी उम्मीद और ऐसी कामनाएं। अगली वीडियो तक आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।